जब आप लोगों को देखते हैं वो प्रॉपरली ग्रूम नहीं, आप बोलते हैं ओ गॉड ये कैसा दिख रहा है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फाइव ग्रूमिंग मिस्टेक्स मैन मेक। सो लेट्स हॉप इनटू इट। फर्स्ट ग्रूमिंग मिस्टेक मैन मेक इज अनकेयर बॉडी हेयर। वो मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मेरे को नहीं पसंद कि है ना किसी के हाथ पूरे बालों वालों से भरे हुए हों, या पैर या पूरा चेस्ट पूरे या पूरा बाल से भरा हो। बिकॉज कभी वो शर्ट का बटन कभी कोई खुल के चल रहा है, थोड़ा शो ऑफ टाइप सा यहाँ के पूरे चेस्ट हेयर से क्या होता है। आई डोंट नो, मैं लोगों को समझ में नहीं आता कि ओ प्लीज़ भैया आपको बटन बंद करके चलना चाहिए, आपकी बात में चप्पल दिख रहे हैं। सो वॉट यू कैन डू टू मेंटेन इज आप क्लिपर यूज़ कर सकते हैं, आप शेव कर सकते हैं अपना ट्रॉसो एरिया, अपने हैंड्स एंड अपने लेग्स। मैं शेविंग ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ बिकॉज शेविंग से आपकी पूरी बॉडी कुछ ज़्यादा क्लीन दिखती है एंड वो कुछ ज़्यादा फेमिनिस्ट लगता है। सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि आपको वही यूज़ करना चाहिए। आपकी अच्छा आप बाल रखें नहीं रखें आपके बटमेंट आईब्रोज डन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईब्रोज आप बिल्कुल प्रॉपरली शेप करो बिकॉज वो गर्ल्स कराती हैं। आपको क्या करना है, आप देख लो तो जब भी जॉइंट एरिया होता है जो नाक की इधर का एरिया है इधर कभी कभी बाल बहुत ज़्यादा लगते हैं, उसे यूनिब्राउ कहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज आप ट्वीज़र्स ले सकते हैं, ग्रूमिंग टूल्स के अंदर आते हैं जो नेल कटर्स वगैरह लेते हैं, ग्रूमिंग टूल्स के अंदर ट्वीज़र आता है। सो व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा बहुत बाल लेते हैं, व्हाट यू हैव टू डू जस्ट प्लक इट आउट, ज़्यादा बेटर है। और ऐसे अपने बार्बर शॉप या सलोन जाके भी करवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। बट प्लीज़ डोंट शेप, अगर आप शेप कराते हो तो बिल्कुल फेमिनिज्म में चला जाता है। एंड डोफिलिज्म मेरे को थर्ड पॉइंट पर लेकर आता है जो है नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन। गाइस, टेकिंग केयर ऑफ स्किन इज नॉट जस्ट प्रायोरिटी फॉर द गर्ल्स, इट्स प्रायोरिटी एज वेल एज फॉर बॉयज। जो गर्ल्स किसी को पहली बार देखती है, कभी कोई भी किसी को पहली बार देखता है तो उसकी आउटर अपीयरेंस से चेक किया जाता है, राइट। अगर उसकी आउटर अपीयरेंस उसकी स्किन पूरे आंकने वाली क्या होते हैं ये कितनी बेकार है, मेरे को उससे बात नहीं करनी। क्यों? इसलिए होता है कि आपकी स्किन क्लियर नहीं है। देखो व्हाट यू हैव टू डू इज आपको कम से कम रूटीन्स फॉलो करने चाहिए टू मेंटेन योर स्किन। फर्स्ट व्हाट यू कैन डू इज सुबह उठते नहाने के टाइम यू कैन यूज फेस वॉश। फेस वॉश यूज़ करने के बाद अब जैसे नहा के आते हैं यू हैव टू जस्ट मॉइस्चराइज योर स्किन। व्हाट जब मॉइस्चराइज करते हैं स्किन को सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि जो सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं। आप कुछ अप्लाई नहीं करो स्किन पर ऐसे निकल रहे हो, स्किन बहुत ड्राई हो जाती है एंड ड्राई स्किन से आपको ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि स्किन जब ड्राई होती है वो अपने खुद के ऑयल स्प्रेड करती है। सो उससे क्या होता है कि आपके जितने भी पोर्स हैं वो खुल जाते हैं एंड एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, डर्ट वगैरह जाती है। सो व्हाट यू कैन डू इज सुबह मॉइस्चराइज किया एंड रात को सोने से पहले फेस वॉश करके देन यू हैव टू मॉइस्चराइज टू, जैसे कि आपकी पूरी स्किन साफ हो जाए, पूरे दिन के जितना भी डर्ट वगैरह करें। अगर कोई जिम जाता है मैं उसको पर्सनली नहीं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पे हैंड वॉश पड़े रहते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज हैंड वॉश किया पहले प्रॉपरली ताकि कोई हाथ की डर्ट निकल जाए, उसके बाद नॉर्मल पानी से मुँह धो के फिर थोड़ा पहुँच के फिर आप घर जाओ। उसके बाद आते ही विद इन हाफ एन आवर आपको नहाना, आते हो हाफ एन आवर में आपकी स्किन में पसीना पसीना जब ड्राई सूखने लगता है। सो क्या होता है कि जितने भी जर्म्स वगैरह बॉडी में रहता है, तो मैं एक बार सजेस्ट करूँगा जैसे भी आप जिम से आते हो सो व्हाट यू कैन डू इज आप शावर लेने से जाए हॉट वाटर शावर एंड उसके बाद आप कुछ खा लें। उसके बाद जब रात को सो रहे हो उससे रात को सोने बेड पर जाने से पहले व्हाट यू कैन डू इज फेस वॉश करके मॉइस्चराइज करके फिर सो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग, आपकी स्किन विद इन अ वीक स्टार्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी एंड आप बहुत गुड लुकिंग होता है। फोर्थ ग्रूमिंग मिस्टेक मैन मेक इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ द ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन में मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं आप सामने वाला आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं वो क्या खाया इसने एंड वो आपने अभी रिसेंट में कोलगेट की ब्रश की भी एड देखा होगा, जब उसमें बताते मैम आपने कल रात को पालक खाई थी। ऑब्वियस ये बात है, जब आपने ओरल हाइजीन की केयर नहीं कर सकते हो तो सामने वाला ऐसी चीज़ें नोट करता है जो बहुत ज़्यादा अनॉइंग होती है। ओह गॉड, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ इस चीज़ें एंड दैट्स रियली वेरी हॉरेबल, बहुत ज़्यादा अनॉइंग होती है क्योंकि सबके सामने आपको कुछ ना कुछ बहुत अनॉइंग। ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप दिन में दो बार ब्रश करें, फ्लॉस यूज़ करें एंड जब भी आप खाना खाएं जस्ट टूथपिक से ना यू नो कहाँ कहाँ पर दाँत कुछ खाना अटका हुआ है सो जस्ट निकाल दें उससे टूथपिक से एंड रात को ना बट सुबह माउथ वॉश करें, जैसे कि लिस्ट्रीन हो गया, कोलगेट फ्लॉस हो गया,
ये अपनी माउथ को क्लींस कर लेता है, पूरा जितना भी डर्ट होगा पूरा निकल जाएगा एंड बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बैड ब्रेथ एक और चीज़ से हो सकती है, वो है अपनी अगर टंग साफ नहीं है, चीक्स अंदर से साफ नहीं है, उससे बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। मेन मिस्टेक मैन मेक इज बीइंग स्टिंकी। फॉर मी इट्स लाइक द मोस्ट हॉरिबल एंड मोस्ट अनॉइंग थिंग, इट्स जस्ट लाइक अ नाइटमेयर टू मी। मेरे को हमेशा तब बुरा लगता है जब मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, मेरा कोई फ्रेंड बोल रहा था पेश नॉट स्मेलिंग वेल, एंड सबसे ज़्यादा अनॉइंग थिंग वही होती है। सो वॉट आई डू इज अपना बॉडी ऑर्डर मेंटेन करना। आप अपना बॉडी ऑर्डर ऐसे मेंटेन कर सकते हैं बाय डूइंग एक्सरसाइजेस और बाय ईटिंग फ्रेश। आप ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाएं, अगर आप ऑयली खाते हैं सो यू नो पूरे टॉक्सिन्स उसके अंदर ही जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर एंड बॉडी वही रिलीज करती है बाय स्वेट। जितना आप ज़्यादा स्वेट करते हैं उतना ज़्यादा आपके जो डर्ट पोर्स होते हैं वो डर्ट पोर्स के अंदर आपकी जो डर्ट भरी होती है वो क्लियर आउट हो जाती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, आप जब भी शावर लें सो मैं यूज़ लूफा साफ कर सकते, जितना भी डर्ट होता है सब क्लियर आउट हो जाता है। एंड सेकेंडली आप अपना बॉडी ऑर्डर मेंटेन करें एंड या यूज़ कलॉन्ग्स। आप परफ्यूम्स को ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, फर्स्ट यूज़ अ मॉइस्चराइजर ऑन योर बॉडी देन यूज़ परफ्यूम्स, उससे आपकी परफ्यूम थोड़ी और लॉन्ग लास्टिंग होती है। द टॉप 5 ग्रूमिंग मिस्टेक्स मैन मेक फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बाय नेम MFT। माई सोशल हैंडल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन गो एंड चेक गाइस, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज आई नीड योर लव एंड सपोर्ट सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।